बना करके सोट ले, तो ये सोट बना पत्थरन की, तो बाकी आप तो ले लेंगे फिर। अरे भाई तो काम आएगा। अरे कैसी दवाई आप कोई ना भेज रहे हो, दूध चक्कर है मेरे पास उधर है तो बता रहा हूँ। पानी 70 साल की उम्र में पहली बार ये सूखा है, जब पानी निकाल तो गड्ढा करके बामा निकाल दो जाने। भाई वित्त के लोग तो यो नहीं चाहते होंगे कि जागी पूजा पर ज्यादा होगी तो। हाँ यही बात है, इधर के क्षेत्र की ज्यादा पूजा होगी फिर। हाँ यही मेन तो बचपन को तो इतना लग जाएंगे इसका जो फैलते ही बजाय वित्त। देखो ये अभी सबका देखो का भी ले, पत्थर का भी ले, इस घाट का भी ले। वो मेरे पास जो कैमरा है भाई, बाबू का यार तेल तेल का भी है। कल मैं यहाँ पर और अनुकुंड बना हुआ निकल सकता है, पूरा सभी खत्म घुरी हुआ हुआ नीचे पत्थर बने हुए, क्यों इसकी तीन परती होती है जैसे बनो वो इसी है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये किसी को पता नहीं है। आज से लगभग 5200 वर्ष पहले मचकुंड जी ने यहाँ पर यज्ञ कराया था, उनका ये हवन कुंड है। जो ये पत्थर निकला है लगता है जी उसी हवन कुंड का पत्थर है। आज से पहले कभी यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई थी तो कुछ निकला नहीं था, आज पहली बार इसी खुदाई में ये पत्थर निकला है। ये पत्थर हवन कुंड का है कि? हवन कुंड का पत्थर है ऐसा प्रतीत होता है। अब ये पुरातत्व विभाग के जो है लैब में जाँच करे कितने वर्ष पुराना पत्थर है ये, और खुदाई करवाएं तो हाँ इसकी खुदाई होना चाहिए। मैं मुरली मनोहर मंदिर का मैं महंत हूँ, नरसिंह भारती मेरा नाम है। ये हवन कुंड पुराने से बताते आ रहे हैं यही हवन कुंड है। नहीं ये जो पत्थर निकला है वो, और जो पत्थर निकला है वो हवन कुंड का ये पुराना पुराना पत्थर। रेनोवेशन का काम कर रहा है, उसने कल जो रेनोवेशन का काम कर रहा था उसमें खुदाई के टाइम में कुछ पत्थर मिले थे, तो उन पत्थरों में पुरातत्व विभाग से जांच करवा रहे हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी कार्रवाई करने पर जो रेनोवेशन वर्क है वो उसमें जारी हो, जाँच के बाद में कुछ जरूरत होगी।